गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टेंथ मैथ्स में आज हम बात करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ढाल या प्रमाणता का। तो वास्तव में ढाल मतलब बहुत अच्छे से हमको पता है कि कोई भी समतल सतह से कोई चीज़ यदि झुकी हुई है तो उस आधार पर ये बोला जा सकता है कि वो उसका ढाल कहलाएगा। जैसे मेरा हाथ जो किसी क्षैतिज तल से आगे की ओर झुका हुआ है तो उस आधार पे हम ये दर्शाएंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में जो अक्ष होते हैं वो किस प्रकार से ढाल का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दो बिंदु ए और बी जिनसे निकलने वाली जो सरल रेखा है वो जो अपने तल से किस प्रकार का कोण निर्मित करती है उसे उसका ढाल या प्रवणता कहा जाता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें ये ध्यान दें कि ये ए बिंदु है, इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो एक कोण निर्मित हो रहा है। तो जो कोण बन रहा है वो कहीं ना कहीं बिंदु ए और बी के ढाल को प्रदर्शित करेगा। तो बिंदु ए और बी के ढाल को प्रदर्शन के लिए वास्तविक में उसके निर्देशांक का पता होना आवश्यक है। तो मान लेते हैं इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 y2 है। तो वास्तव में हम क्या करेंगे कि इसके समांतर अगर कोई रेखा खींच देते हैं तो ये जो कोण है और ये कोण दोनों कोण इक्विवेलेंट हो जाता है और उस स्थिति में हम दोनों बिंदुओं की स्थिति के आधार पर उसका आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ढाल बराबर y दिशा में विस्थापन बटे x दिशा में विस्थापन। तो y दिशा में जो होने वाला विस्थापन y दिशा में जो विस्थापन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है जबकि x दिशा में विस्थापन यहाँ से यहाँ की ओर हो रहा है। तो उस आधार पर ये बोला जा सकता है कि y दिशा माइनस बटे x दिशा। तो y दिशा में जो विस्थापन होगा वो विस्थापन कैसे पता चलेगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो y दिशा में अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो विस्थापन का फॉर्मूला यही है और यहाँ पर भी ये बोला जा सकता है कि y दिशा में अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। इसी प्रकार अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति ये हो जाएगा x दिशा में। तो y दिशा में अंतिम स्थिति हम यहाँ पर अगर दर्शाने का प्रयास करें तो अंतिम स्थिति जो है हमारी y2 है और प्रारंभिक स्थिति जो है वो y1 है। बटे x दिशा में अंतिम स्थिति हमारी x2 है जबकि प्रारंभिक स्थिति जो है वो x1 है। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं प्रवणता का जो सूत्र है प्रवणता को m से हम दर्शाते हैं तो y2 - y1 / x2 - x1। यहाँ इसको और डिस्क्राइब करने का प्रयास करें तो y2 - y1 ये क्या लिखा जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं वस्तु की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। उस आधार पर इसका आकलन किया जा सकता है कि y2 - y1 मतलब y2 - y1 ये स्थिति जो है वो दर्शाएगा BO, तो y2 - y1 इसको हम लिख सकते हैं BO, जबकि x2 - x1 मतलब x2 ये है और x1 ये है तो इन दोनों का माइनस जो होगा वो दर्शाएगा x2 - x1 इसको ये दर्शाएगा OA को। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं BO/OA और BO/OA तो ये लंब है और ये कहीं ना कहीं आधार है। तो लंब बटे आधार जो होता है वो हमारा दर्शाता है tan थीटा। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं m = tan θ दिस इज इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1। तो इस आधार पे हम आकलन कर सकते हैं कि किसी भी राशि का जो सरल रेखा होती है उसकी ढाल या प्रवणता क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन देता है कि किसी सरल रेखा पर दो बिंदु 3 और 7 तथा 6 और 8 स्थित हैं तो उसकी प्रवणता क्या होगी एक सरल रेखा पर। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर यह बोला जा रहा है कि किसी सरल रेखा पर जैसे ये सरल रेखा है तो इस पर एक बिंदु ए जो है वो हमारा दिया जा रहा है 3 और 7 और जबकि दूसरा बिंदु मान लेते हैं b = 6 और 8 है तो उसकी प्रवणता क्या होगी उसका ढाल क्या होगा। तो बहुत आसान है m = जो ढाल या प्रवणता बराबर सूत्र होता है ढाल या प्रवणता विच इज इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1। तो यहाँ ए का जो निर्देशांक है 3, 7 इसको हम इक्वल मान रहे हैं x1 और y1 के जबकि बी का जो निर्देशांक है 6 और 8 इसको मान रहे हैं
एक्स टू और वाई टू के। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि जो प्रवणता m होगी विच इज इक्वल टू जो हमारे पास सूत्र है वाई टू, तो वाई टू जो है वो हमारा 8 है, तो 8 माइनस y1 जो है हमारे पास है वो 7 बटे x2 हमारे पास है 6 और x1 जो है वो हमारे पास है 3। तो इस आधार पर ये बोला जा सकता है कि m इज इक्वल टू 8 माइनस 7 1 और 6 माइनस 3 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 1/3। तो इस आधार पर किसी भी सरल रेखा का जो ढाल है उसका एनालिसिस किया जा सकता है।